hello friends welcome to channel so this is the third lecture of uh, unit 1 that is nature and development of social work so in today's video we are going to cover uh, this chapter social reforms and professional social work so what is the contribution of social reformers in 1920 century in the development of professional social work in india and what is the value competency code of ethics of social workers practitioners so all these chapters we will cover in this video so let us start सो बिफोर बेगिंग इट इज अलाउट मी एंड यू कैन मेल मी फॉर एनी क्वेरी एट दिस इमेल अड्रेस सोशल वर्क डॉटल एट जीमेल डॉट कॉम एंड आल्सो प्लीज जॉय द इंस्टाग्राम चैनल स्वैप अंडर्स को नैट सो दैट यू विल गेट ऑल द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल सो नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम ऑल इंपोर्टेंट सोशल एंड रिलीजि रिफॉर्मर ऑफ इंडिया सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय सो राजा राम मोहन रॉय वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन अडेस सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसिस सो इज राजा राम मोहन एंड ही इज द टेस सोशल रिफॉर्मर और ही वाज फोकस ऑन द लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया अगर इनकी बात करें तो ही वाज बॉर्न इन ट्वेंटी टू इन दी ब्राह्मण फैमिली इन राधा नगर बंगाल बंगाल में इनका जन्म हुआ था और बाईस मई सत्रह सौ बहत्तर में एंड ही विद द राजा इनको राजा का टाइटल दिया गया था मुगल एम्प्रायर ऑफ डैली अकबर सेकंड के द्वारा इन अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो ही बॉज द रेसनलिस्ट एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच को मानते थे इन पर इस पर इन्होंने काफ़ी फोकस किया इंडियन सोसाइटी में मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच को लाने के लिए अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इन्होंने एट्टीन में एक सभा का स्थापना की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा जो कि कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था जस्ट टू कैंपेन अगेंस्ट द आइडोल्ट्री जो मूर्ति पूजा होती है उसके अगेंस्ट में इन्होंने कैंपेन किया था कास्ट रिजिडिटी है उसके अगेंस्ट में एंड मीनिंगनेस ऑफ रिचुअल्स कुछ ऐसे रिचुअल्स जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है उन सभी के अगेंस्ट में इन्होंने काम किया एंड विद आलमेदी सोशल इविल्स एन अगर बात करें सामाजिक रिफॉर्म्स की इनके द्वारा क्या क्या, क्या किए गए तो इनका ऐसा मानना था कि राजा राम मोहर कंसीव रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस एसोसिएशन इनका मानना था कि अगर हम रिलीजियस जो संस्थाएं हैं उनमें बदलाव लाएं तो उनकी वजह से हमारा सो so, जो सामाजिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है हो सकता है सो इट कैन बिकम द इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन सो ही आल्सो फाउंडेड द आत्मी सभा इन 1850 1815 में इनके द्वारा आत्मी सभा की स्थापना की गई एंड द कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की गई एंड इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी बाद में इसका नाम ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है एंड ही ऑल्सो कैम्पेन दी अगेंस्ट दी कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने काम किया अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट एंड सुपरस एंड यूज ऑफ दी के अगेंस्ट में इन्होंने काम किए एंड इसके साथ साथ इन्होंने सती विडो रिमेरिज के लिए इन्होंने फोकस किया इस पर काम किया इसको एडवोकेट किया और टू एवेल्ज दि सती जो सती प्रता उस ट्राम पर चलती थी उसको अवेलज करने के लिए उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एंड ही ऑल्सो अटैक्ट द चाइल्ड मैरिज बाल बाल विवाह को रोकने के लिए और इलिटरेसी ऑफ द महिलाएं उस समय ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी फोकस किया महिलाओं की शिक्षा के ऊपर एंड आल्सो डिमांड फॉर द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी राइट दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी फोकस किया महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट देने के लिए ही आल्सो डिमांडेड एंड अगर हम शिक्षा रिफॉर्म्स की बात करें एजुकेशन रिफॉर्म्स की देन डेबिड हियर के द्वारा एक एफर्ट किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी एट्टीन में तो उसमें इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और इन्होंने उसमें, उसमें सपोर्ट किया था और इनके द्वारा 1825 में एक संस्था के एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसका नाम था वेदांता कॉलेज और वियर कोर्स इन बोथ जहाँ पर इंडियन लर्निंग के साथ साथ वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस को भी पढ़ाया जाता था सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस सर सैयद अहमद खान सो सर सैयद अहमद खान बाजन इन एटीन सेवनटीन इन दी फैमिली दैट वॉज वेरी क्लोज टू मुगल कोट एंड ही वॉज द मैन ऑफ मैनी डिस्टिंगशन ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनलिटी थे ही वॉज सिविल सर्वेंट जर्नलिस्ट एजुकेशनिस्ट हो रिफॉर्मर एंड हिस्टोरियन और इन्होंने एटीन सेवनटीन में जो रिवोल्ट हुआ था उसके पहले तक इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है और इनके द्वारा एक पैम्पलेट लिखा गया था जिसका नाम था कॉज ऑफ़ द इंडियन रिबोल्ट सो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या रीजन है एक इंडियन परस्पेक्टिव से इस इस रिवोल्ट के एंड अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्मर की दी सोशल रिफॉर्मर्स सो इनके द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे टू तो अगेंस्ट द रिलीजियस इंटॉलरेंस एगर एंड इसके अगेंस्ट में इन्होंने काफ़ी कदम उठाए ही दी पर्दा प्रथा पॉलीगेमी एंड दी ईजी डिवोर्स जो एजी डिवोर्स हो जाता है तुरंत बोलने से तो उन सभी के अगेंस्ट में इन्होंने काम किए और उनके द्वारा एक मैगजीन फाउंड की गई थी जिसका नाम था तहजबुल अखलाक इसका मतलब होता है सोशल रिफॉर्मर्स सो इसके माध्यम से ही ट्राई टू अवेक इन पीपल्स कॉन्शियसनेस ऑन सोशल एंड रिलीजियस इशू एंड अगर हम बात करें अलीगढ़ पर इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है अलीगढ़ मूवमेंट में एंड इट वॉज अस्टमेटिक मूवमेंट बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें जो एजुकेशनल और पोलिटिकल सोशल एस्पेक्ट्स हैं उसमें रिफॉर्म लाया जाए इस अलीगढ़ मूवमेंट का मेन उद्देश्य ये था एंड द मूवमेंट अंडर टुक द मॉडर्नाइज मुस्लिम एजुकेशन बाई एडोप्टिंग द इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ लर्निंग एंड बेस्ट एजुकेशन अदर देन जस्ट फोकसिंग दी ट्रेडिशन टीचिंगस सो इसका जो मेन फोकस था कि आप जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है उसके साथ साथ अगर हम इसमें बेस्ट एजुकेशन और इंग्लिश को इंग्लिश एज ए मीडियम डालते हैं लर्निंग में तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट लाया जाता है लाया जा सकता है मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन सिस्टम में सो so, नेक्स्ट है ईश्वर चंद विद्यागर सो इनके बारे में जानते हैं सो so, विद्यासागर बाज द बंगाली संस्कृत पंडित एजुकेशन सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फिलान्थ्रोपिस्ट सो इनको जो टाइटल दिया गया था विद्यासागर द मीनिंग ऑफ विद्यासागर इसका मतलब होता है ओसियन ऑफ नॉलेज ये टाइटल इनको दिया गया था जस्ट बिकॉज हीज मास्टरी इन दी संस्कृत एंड द फॉसफी सो इनका जन्म ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर में हुआ था एटीन ट्वेंटी बे, वेस्ट बंगाल में एंड इनको ये टाइटल दिया गया था विद्यासागर एट्टीन थर्टी नाइन में एज हिज मास्टरी ओवर द संस्कृत इन फिलोसफी शिवाजाल से द की फिगर ऑफ कल्चरल सोशल इंटेलेक्चुअल एंड द आर्टिस्टिक मूवमेंट इन इन बंगाल सेंचुरी तो उसमें इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है एंड ही वाज द मैन ऑफ द की फिगर इन बंगाल रेना अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स की इनके द्वारा क्या क्या किए गए सो ही एडवोकेट एंड ही एडवोकेट आल्सो कंट्रीब्यूटेड द चेंजिंग द स्टेटस ऑफ पीमन इन इंडिया इंडिया में महिलाओं के स्टेटस को बदलने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है एंड इनके द्वारा इनके कंट्रीब्यूशन से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बिडो री एक्ट एटीन में इसको लाया गया था इसमें इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है और ही फोर्डेड फॉर द वीमेन एजुकेशन महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने एंड आल्सो बेर चैलेंज द बारबरिक प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए ही आल्सो फाउंडेड दर्टी फाइव स्कूल ऑफ गर्ल्स थ्रू आउट दी बंगाल बंगाल में इनके द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए पैंतीस स्कूल खोले गए एंड उसमें से वन ऑफ द एक इंस्टीट्यूट था इसका नाम था मेट्रोपोलिटन स्कूल ऑफ कैलकटा एंड इनका जो मेन पर्पज था इन सभी स्कूल खोलने का जस्ट टू मेक वीमन सेल्फ सफिशियंट एंड एम्पावर महिलाओं को एम्पावर करने के लिए और सेल्फ सफिशेंट बनाने के लिए ये सभी स्कूल खोले गए थे और विद्यासागर के द्वारा कुछ इंपोर्टेंट वर्क जैसे सोशल रिफॉर्म्स किए गए इनमें से विधवा विवाह बहु विवाह जो कि 1871 में एंड बाल विवाह दैट पॉज द फ्लो ऑफ द चाइल्ड मैरिज तो ये सब उनके द्वारा कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए थे दयानंद सरस्वती सो so, दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं सो so, ही वाज द बॉर्न एज ए मूल शंकर तिवारी इनका नाम था मूल शंकर तिवारी और ही वाज द प्रोलिफिक रिफॉर्मर इन दी इन इन हिंदू रिलीजन हिंदू रिलीजन में इन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव लाने की कोशिश की एंड ही वाज द रिफॉर्मर एंड इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई इन एटीन सेवेंटी ऑफ अप्रैल में और ये बेसिकली रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया था इनके द्वारा सो इनका जो मेन फोकस था ही स्ट्रेस मन दी वन गॉड एंड ही स्ट्रस ऑन दन गॉड एंड रिजेक्टेड द आइडल वर्षिप आइडल वर्षप को इन्होंने रिजेक्ट किया मूर्ति जो पूजा होती है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया और इनका इन्होंने एडवोकेट किया इनका ऐसा मानना था कि जो हिंदुइज्म में जो प्रिस्ट होते हैं जो पंडित होते हैं उनकी जो पोजीशन है बहुत एक्सटॉटेड है उसको इतना नहीं होना चाहिए ही वॉज अगेंस्ट दिस ही दी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में इनकी स्थापना की गई थी एटीन एटी सिक्स में इसमें सभी कास्ट के जो लड़के लड़कियां थे उनके लिए शिक्षा के स्कूल खोले गए थे और इस दीज स्टूडेंट ऑफ दिज स्कूल वर्ग इनको सभी को बुक्स क्लॉथ्स लॉजिंग फूड्स सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी और साथ ही साथ इनमें बेदाज और, और अदर एंशियंट स्क्रिप्चर्स थे उनको पढ़ाया जाता था इनके द्वारा कुछ बुक लिखी गई थी जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि एंड ऋग्वेद भाष्यम तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी और इनकी और इनके द्वारा कई लोग इंस्पायर हुए जैसे कि स्वामी कृष्णा वर्मा एम जी रनडे बी डी सावरकर लरदयाल ला, मदन लाल डेंगरा ये सभी के सभी ही आल्सो बाय स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस एंड विपिन चिंदन पॉल नाउ लेट लर्न अबाउट द ज्योतिराव फुले सो महात्मा ज्योतिराव फुले वाज अ प्रोलिफिक सोशल एक्टिविस्ट एंड थिंकर जो कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने इंडिया में काफी फोकस किया स्पेशली इन दी महाराष्ट्र में उनका जन्म कटगुम में एवंथ अप्रैल एटीन ट्वेंटी सेवन में हुआ था दरबाज इन दी सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड ही वॉज बिलोंग टू दी माली कास्ट ऑफ द गार्डनर्स बेसिकली इनके जो पेरेंट्स थे वो माली थे इनकी जो फैमिली थी ये फ्लावर्स बिजनेस का काम करती थी एंड इनकी जो वाइफ थी इन्होंने उनको इनका नाम था सावित्री बाई उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया और उसके बाद ही दे स्टार्टेड स्टार्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स इन पुणे पुणे में एट्टीन फोर्टी एट में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले गए इनके द्वारा एंड भिज बाज द फर्स्ट सच स्कूल बाई द इंडियंस पहली बार किसी इंडियन के द्वारा गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल खोला गया महाराष्ट्र में एंड ही फेस सोशल ऑस्ट्रिजन इसी की वजह से इनको समाज से भी बहिष्कार किया गया और इसी वजह से इनको अपने पेरेंटल होम है उसको भी छोड़ना पड़ा ही स्टार्टेड द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ लोअर कास्ट लोअर कास्ट के जो बच्चे थे उन लड़के लड़कियाँ थे, थे उनके लिए इन्होंने स्कूल खोले एंड ही एडवोकेट दिडो रीमेरिज विडो रीमेरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए इन्होंने काम किया इन ही वॉज द एग्जाम्पल इन द फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी सो ये सभी चीज़ें हैं और अगर हम बात करें इनके द्वारा ट्वेंटी फोर सेप्टेम्बर एटीन सेवेंटी थ्री में सत्यो शोधक समाज की स्थापना की गई थी और इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया आइडल्ट्री एंड डिनाउंस द नीड ऑफ द प्रिस्ट ही फोकस ऑन दी रैशनल थिंकिंग इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश की गई जैसे कि तृतीया रत्ना और ब्रह्मांच केशव मानव मोहम्मद एंड गुलाम गिरी ये सभी आप पढ़ सकते हैं एक बार सो समाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई महात्मा फुले के द्वारा या जो भी यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उनके जो वर्क हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा एग्जाम में पूछा जा सकता है भी कुछ इस इस साल एक क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का बुक को लेकर के सो so, हम लोग इस बार सभी के सभी चीज़ें पढ़ेंगे कोई चीज़ स्क्रिप नहीं करेंगे नवाब अब्दुल लतीफ इनके द्वारा एट्टीन में मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी इनके बारे में बस इतना जानिए एग्जाम में पूछा गया था पंडिता रामाबाई सी फाउंडर दी आर्य महिला सभा पुणे में इनकी स्थापना की गई थी आर्य महिला सभा की और सी आल्सो ओपन दी शारदा सदन फॉर द हेल्पिंग ऑफ डेस्टूड विडोज नाउ द नेक्स्ट बहराम जी एम मालावारी इनके द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई सो so, ये इम्पोर्टेंट है आप इसको भी पढ़ लीजिएगा नाउ द नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद 1863 से लेके 1902 तक इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी अठारह एंड ही वाज द मॉन्क एंड चीफ डिसाइबल ऑफ रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस उनके ही वाज वन ऑफ द मॉन्क एंड चीफ डिसाइबल एंड इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस द इंडियन फिलाोसफी ऑफ वेदांता एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में इनके द्वारा ही जो वेदांता और योगा की जो फिलासफी थी उसको दुनिया में दुनिया तक पहुँचाया गया एंड ही आल्सो ब्रिंग द हिंदुज्म टू द वर्ल्ड स्टेज ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी एंड एटीन नाइनटीन एटी थ्री में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई इनके द्वारा एंड इसका जो इस संस्था इस का जो नाम था रामकृष्ण मिशन इनके जो गुरु थे गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके नाम पर रखा गया था और इस संस्था को जो बनाया गया था जस्ट टू फोकस टू एक्सटेंसिव एजुकेशन इन प्रांत वर्क इन इंडिया एंड एटीन नाइन्टी थ्री में ये पहली बार इंडिया ही रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड इन शिकागो यू एस एंड सो इनके ही बर्थडे को एज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में बारह जनवरी को ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल यूथ तो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में गोपाल कृष्ण गोखले ही वाज द गुरु ऑफ महात्मा गांधी ही वाज द सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट एंड ही एज हु प्रोवाइडेड द एग्जाम्पल लीडरशिप टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट गोपाल कृष्ण गोखले वाज बोर्न नाइन्थ ऑफ मई सिक्स इन कॉलकुट विलेज ऑफ द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी तो इनका जन्म ब्राह्मण फैमिली हुआ था एर इनकी हम आइडियोलॉजी की बात करें तो ही वाज बिलोंग टू दॉडरेट ग्रुप इनका ऐसा मानना था कि अगर रिवोल्यूशनरी वे और रिएक्शनरी तरीके से हम आ, इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना चाहें तो ये थोड़ा मुश्किल है और ही बिलोंग टू मॉडरेट ग्रुप ऑफ ही आल्सो ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एंड वेरी इंपॉर्टेंट की रोल इन द्रेमिंग ऑफ मॉडल्स नाइनटीन जीरो नाइन तो अदर रिलेटेड सोसाइटी एंड अदर वर्क इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए देख लेते हैं सो ही स्टैब्लिश दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जीरो फाइव उन्नीस सौ पाँच में इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है जस्ट टू एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन ही आल्सो एडवोकेट एंड एसोसिएटेड विद दी सार्वजनिक सभा जनरल जो कि गोविंद रनाडे के द्वारा स्थापित किया गया था इसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और इनके द्वारा नाइनटीन जीरो एट में गोखले के द्वारा रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई थी एंड इनके द्वारा एक इंग्लिश न्यूज वीकली न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था इसका नाम था हितवादा इसका मतलब होता है पीपुल्स पेपर एंड ही वॉज द मैटर ऑफ गांधी जी एंड आर लिबरल नेशनिस्ट ही इज रिगार्डेड एज द महात्मा गांधी एज इज पॉलिटिकल गुरु और गांधी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी गुजराती में इन्हीं को डेडिकेटेड थी और इसका टाइटल था धर्मात्मा गोखले नाउ द नेक्स्ट सरोजिनी नायडू इनके बारे में जानते हैं सो सरोजनी नायडू का पूरा नाम था सरोजनी चट्टोपाध्याय नायडू और सी सी वाज द की फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इनको नाइट एगल की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी uh, तो uh, in के द्वारा बिकॉज वाज वेरी ग्रेट एज एंड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल में जीरोजनी नायडू टू प्ले एक्टिव रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और इन्होंने महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर के uh, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर इन्होंने वर्क किया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड टू द सोशल रिफॉर्म्स 1970 सी हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ द वीमन इंडियन एसोसिएशन डब्लू आई ए ये एग्जाम में पूछा जाता है आप इसको याद करिएगा जितना भी अंडरलाइन मैंने किया हुआ है या रेड मार्क है उन सभी को आपको याद करना है इसके अलावा जो भी गांधी जी के द्वारा मूवमेंट चलाए गए थे सिविल डिस्ट वन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट इन सब में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है नंबर नेक्स्ट पैरियार ई वी रामास्वामी नाइकर इनके द्वारा नाइनटीन ट्वेंटी में नाइनटीन ट्वेंटी में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था इतना ही आपको याद करना है बस वाल शास्त्री जाम्बेकर ये मराठी थे और इनके द्वारा एक इन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक न्यूज़ पेपर के न्यूज पेपर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था दर्पण और इसी वजह से इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म जाना जाता है एंड 1832 में फर्स्ट मराठी न्यूज़ पेपर इनके द्वारा इस फाउंड किया गया था इसका नाम बताया मैंने अभी दर्पण है और अगर हम बात करें इसके सोशल इम्पैक्ट के इस दर्पण के तो ही स्पेशली डील विद द इशू ऑफ विडो री इन दिस न्यूज पेपर ही ट्राई टू डेवलप अ साइंटिफिक सेट ऑफ माइंड इन द मासजुकेटेड पीपल जो भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे इंडिया में उन सभी को एक साइंटिफिक सेट ऑफ माइंड डेवलप करने के लिए इन्होंने इस पेपर को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात करते थे जैसे कि बिडो री मैरिज वगैरह सो दिस रिजल्ट इन द लार्ज स्केल डिबेट इन दोसाइटी एंड फाइनली इन द मूमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ बिडो री मैरिज नाउ द नेक्स्ट केशव चंद्र सेन सो केशव चंद्र सेन ऑल्सो स्पेल केशव चंद्र सेन सो ही वॉज बॉर्न कैलका इन नाइनथीन नवंबर एट्टीन थर्टी एट एंड इनके जो फादर थे पैरी मोहन इनकी डेथ हो गई थी ही वॉज इन टेन ईयर ओल्ड उसके बाद इनके जो अंकल थे उनके द्वारा इनको मॉडप किया गया एंड एट ऑफ जनवरी एट्टीन एट्टी फोर में इनकी डेथ हो गई थी कलकत्ता में इनके बारे में जान लेते हैं इन्होंने एट्टीन फिफ्टी फाइव में सत्रह साल की उम्र में ही इस्टैब्लिश द ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ओके okay, एंड ही ज्वाइन दी ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की ब्रह्म समाज में कोई इन्होंने ज्वाइन किया और जस्ट टू लर्न एंड स्टडी दी फिलोसफी बाद में कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने खुद ही एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था भारत भारत भविष्य ब्रह्म समाज और जो पहले वाली जो पुरानी ब्रह्म समाज थी उसका दैट दटवाज नोन एज दी आदि ब्रह्म समाज चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में काम किया एंड एडवोकेट दिडो री मैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज एंड इनके द्वारा फ्रॉम नबो विधान इसका मतलब होता है न्यू डिस्पेंसन अट्ठारह में इसका जो मेन प्रिंसिपल था इसको बनाने का कि हिंदुज्म में जो वेस्टर्न स्परिचुअलिटी है और क्रिश्चियनिटी के, के जो प्रिंसिपल हैं उन सबको इंकॉपरेट किया जाए हिंदुज़्म में सो तो इन्होंने उस पर काफ़ी फोकस किया था और अब देखते हैं मेधा पाटकर सो तो इनके बारे में आप जानते ही होंगे मेधा पाटकर बॉर्न इन फर्स्ट ऑफ दिसंबर 1954 जो कि टी के की एलमनाई है दिस इज द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया इंडियन सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग ऑन दल पोलिटिकल और इकोनॉमिक जैसे कि ट्राइवल के लिए काम करना दलित फार्मर्स लेबर बीमन महिलाएं जो भी इनजस्टिस फेस कर रही हैं लोग उनके उनके सपोर्ट के लिए काम करती हैं एंड वाडकर इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ थर्टी टू ईयर्स ओल्ड सोशल मूवमेंट जिसका नाम था नर्मदा बचाव मूवमेंट एन बी एन बी एज बीन इंगेज इन द्रगल फॉर द जस्टिस फॉर द पीपल अफेक्टेड बाई द डैम प्रोजेक्ट जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया था तो उसमें जो भी लोग अफेक्टेड हुए हैं जो आसपास पास जो गाँव थे वो सबमर्ज हो गए थे पानी में तो उन सभी के लोगों की आवाज़ बन के उभरी और इन्होंने उनके उनके जस्टिस के लिए उनके राइट्स के लिए स्ट्रगल किया और बस सी इज़ आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेशनल अलायंस पीपल्स मूवमेंट ये जो इम्पोर्टेंट पीपल मूवमेंट चला गया था इसके सी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन जो कि 2005 में चला गया था मुंबई में सो इट इज़ स्ट्रगलिंग फॉर द हाउसिंग राइट ऑफ द मुंबई वहाँ तो पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला बनाए जा रहे थे बिल्डर्स के द्वारा बहुत सारे सो उसमें जो वहाँ पे लोग रहते थे श्रम डोल्स उनको हटाया गया था वहां से तो उन सभी के राइट्स के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन दो में सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मन के बारे में हमने जाना एग्जाम में पूछा जाता है तो काइंडली आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है जहा पर मार्क किया है वो सब उसको अच्छे से देखना है बिकॉज सभी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सो so, अभी हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इंडिया में कौन कौन से चलाए गए उन सब के बारे में सो so, इंडिया में कुछ इन्वायमेंटल मूवमेंट चलाए गए कुछ आंदोलन चलाए गए इन्वायरमेंट को लेकर के उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको देख लेते हैं जैसे कि पहला था बिस्नो मूवमेंट बिस््णव मूवमेंट वाज लीड बाय दी अमृता देवी इन एंड इन इन दिस मूवमेंट नियर अबाउट थ्री सिक्सटी थ्री पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट और सो दिस मूवमेंट बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट इसके माध्यम से जो पेड़ थे जो ट्री थे उनको हक करके उनको इम्प्रेस करके उनको बचाने की कोशिश की गई थी नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट चिपको मूवमेंट बिच लीड बाय दी सुंदरलाल भोगड़ा एंड दिस मूवमेंट वाज द नॉन वायलेंट एजिटेशन इन 1973 सेवेंटी इन उत्तराखंड उस टाइम पे यूपी में था उत्तराखंड तो इसका जो मैने था कि जो पेड़ है उनको कंजर्व किया जाए उनको प्रोटेक्ट किया जाए एंड सो दिस इज़ आल्सो थ्रू दिस चिपको का मतलब होता है इम्प्रेस करना उनको हक करके ब्लेजर्स के आसपास के जो गांव के लोग थे वो आए थे और इन स सर्क, इन सर्कल हो करके हक करके पेड़ों को बचाने की कोशिश की गई थी नेक्स्ट राधा स्वामी मूवमेंट सो दिस फाउंडेड बाय द वेस्टर्नस कुछ विदेशियों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था इस मूवमेंट को चलाया गया था बिकॉज वो इंडिया के जो कल्चर था उसके थॉट्स थे इंडिया की जो फिलासफी है उससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे और इन्होंने राधा स्वामी मूवमेंट चलाया था नेक्स्ट नवद बचाओ आंदोलन सो दिस आंदोलन बिज लीड बाय दी मेधा पाटकर और सो दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट दी नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट नेक्स्ट है अपीको मूवमेंट सो बिच इज बिच हाउंड एंड लीड बाई दी इन्वामेंटल एक्सप्रेशन का नाम था पांडुरंग हेंगड़े इनके द्वारा इस मूवमेंट को चलाया गया था सो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सो अपीको मूवमेंट इज वन ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इसको वेस्टर्न घाट में चलाया गया था कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में दैट वॉज द उत्तरा कन्नड़ उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में वेस्टर्न घाट में इसको मूवमेंट को चलाया गया था एंड दिस मूवमेंट इिएट अवेयरनेस अमॉन्ग दिलेजर्स थ्रू आउट द वेस्टर्न घाट अबाउट द इकोलॉजिकल डेंजर सो जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट की वजह से इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था साइलेंट वैली मूवमेंट इट वॉज स्टार्ट इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री बाई द एन जी ओ एंड लीड बाई दोशल स्कूल टीचर्स एंड द केरला शास्त्र साहित्य परिषद इनके दो तो के एस एस पी के द्वारा इसको चलाया गया था ताकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे थे उसकी वजह से साइलेंट वैली को बचाने के लिए फ्लड फ्लडिंग से बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था एंड साइलेंट वैली मूवमेंट इन केरला वाज अगेंस्ट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो कि पुन्थी पुंजा रिवर पर इसको बनाया जा रहा था नेक्स्ट है तैहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट सो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सुंदरलाल भोगुड़ा इनके द्वारा ये एंटी तैरी डैम मूवमेंट चलाया गया था ये जो प्रोटेस्ट था बेसिकली अगेंस्ट थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाउन एनबिटेंस वहाँ बेसिकली जो गांव गांव थे जो लोग वहाँ रहते थे उसकी वजह से वो सबमर्ज हो गया था पानी में तहरी डैम में तो उन सभी के राइट्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई सुंदरलाल बगोड़ा के द्वारा और जो भी इन्वाइट कौन थे बिग इको सिस्टम की वजह से तो इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी में कौन कौन संस्थान बनाई गई थी किसके द्वारा देख लेते हैं ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनको अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में पूछा जाता है वेद समाज वेद समाज सो इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मो समाज साउथ में इसको ब्रह्म समाज बोला जाता है क्योंकि इसमें जो बुक्स थी ब्रह्म समाज की उनको तमिल और तेलुगु में इसको ट्रांसलेट किया गया था इट वॉज स्टार्टेड बाई दी नायडू लालू नायडू ये गोपाल हरी देशमुख के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था इट एडवोकेटेड वेस्टर्न एजुकेशन एंड द रैशनल थिंकिंग सो ही आल्सो एडवोकेट द फीमेल एजुकेशन फॉर देंट ऑफ द दिमन महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने महिला शिक्षा पर काफी फोकस किया था एंड uh, राधा स्वामी मूवमेंट ये जो यहाँ पर कॉलमी इसी का है यहाँ से यहाँ तक पूरा सोशल मूवमेंट के बारे में बताया गया सो इट वॉज फाउंडेड इन 1861 सिक्सटी वन बाई द बैंकर ऑफ आगरा इनका नाम था तुलसी राम ठीक है एंड पॉपुलर नॉलेज सिफ दयाल साहिब स्वामी महाराज इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी एंड इट वाज फाउंडेड बाई द वेस्टर्स इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था हु ड्रू इंस्पिशन फ्रॉम द इंडियन थाट्स एंड कल्चर थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो सबका स्टार्टिंग के बारे में आपको पता ही होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है मैडम एस पी की लीड द फाउंडेशन ऑफ दिस मूवमेंट और बाद में यूएस के जो एक कर्नल थे इनका नाम था एच एस वॉलकट यू एस आर्मी के थे उन्होंने इसको बाद में ज्वाइन किया था और इंडिया में इसको एट्टीन एटी टू में तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था और जो एनी बेसेंट थी इसकी प्रेसिडेंट बनी उन्नीस सौ सात में एन सी फाउंडेड दी सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन नाइनटीन एटी एय बाद में इसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रखा गया नाइनटीन सिक्सटीन में इसमें ज़्यादा समझाने में कुछ है नहीं तो आप इसको जस्ट पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से बस डिप्रेस क्लास डिप्रेस क्लास बी आर अम्बेडकर के द्वारा उन्नीस में इसको स्टार्ट किया गया था दिस मूवमेंट टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स बी आर अम्बेडकर आल्सो फाउंडेड दी मराठी फोर्थ नाइटी बहिष्कृत भारत इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट कांग्रेस हरिजन मूवमेंट ये ये जो मूवमेंट चलाया गया था फॉर एलिवेटिंग एलिटिंग सोशल स्टेटस ऑफ लोअर एंड दी बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास के सामाजिक और उनके जो स्टेटस था उसको उसको एलिवेट करने के लिए ऑल इंडिया एंटी एंटेजेबिली लीग बज एस्टैब्लिश इनटीन थर्टी टू एंडली हरिजन बाज फाउंडेड बाई गांधी जी नाइनटीन थर्टी थ्री ये कुछ कांग्रेस हरिजन मोमेंट थे इनके बारे में यहाँ पर है आप इनको पढ़ लीजिए सो यू कैन सी हेयर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द फाउंडर एंड द ईयर एंड द प्लेस कहाँ पर इसको बनाया गया था किस शहर में किस प्रोविंस में एंड किस ईयर में इसको स्थापित किया गया था किसके द्वारा फाउंडर एंड दफगेनाइजेशन आदमी समाज बीच इज फाउंड बाई द राजा राम मोहन राय

धर्म सभा बिजेज फाउंडेड बाई दी दुर्गम पंचराम फोर्टी फोर अट्ठारह सौ चवालीस में सूरत में इसको फाउंड किया गया था एंड रामहंस मंडली बिजेज फाउंडेड बाई दादोबा पांडुरंग एटीन फोर्टी नाइन इन बॉम्बे रामधारी राम सिंह इन एटीन फिफ्टी सेवन इन दी पंजाब राधा स्वामी सत्यसंग बिज इज फाउंडेड बाई दी तुलसी राम इन एटीन सिक्सटी वन इन आगरा ये जो संस्थान है जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया है वहाँ पर ये संस्थान बना हुआ है आज भी एट्टीन में उसको बनाया गया था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये कैलकटा में इस्टैब्लिस किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में दर उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा उसको 1866 में देवबंद में इसको स्थापित किया गया था नेक्स्ट प्रार्थना समाज विच इज इस्टैब्लिश बाई द आत्माराम पांडुरंग इन एटीन इन बॉम्बे नेक्स्ट आर्य समाज विच इज़ इस्टैब्लिश बाय दि स्वामी दयानंद सरस्वती इन एटीन सेवेंटी फाइव बॉम्बे एंड थियोसॉफिकल स्टडी के बारे में पढ़ ही लिया अभी मैडम एच बी की एंड कर्नल एच एस कॉलकर के द्वारा एट्टीन सेवेंटी फाइव में न्यूयॉर्क में इसको स्थापित किया गया था एंड साधारण ब्रह्म समाज इसकी स्थापना की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा एट्टीन सेवेंटी एट में कलकाता में एंड मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बिच इज इस्टेब्लिश बाई दी सैयद सर सैयद अहमद खान इन एटीन एटी सिक्स इन अलीगढ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एम जी राणे के द्वारा की गई थी अठारह सौ सतासी में बॉम्बे में एंड देव समाज बीच इस्टाब्ल्लिश बाई दी शिव नारायण अग्नोत्री इन एटीन एटी सेवन इन लाहौर नदवाय ओ लेमा विच फाउंडेड बाई दी मौलाना सिबी नुमामी इन एट्टीन नाइंटी फोर इन इन लखनऊ एंड राम कृष्ण मिशन बीच इस वेरी फेमस एस्टाब्लिश बाई द्वामी विवेकानंद इन एट्टीन नाइंटी सेवेन इन बेलोर नेक्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसायटी बीच इस्टाब्ल्लिश बाय दि गोपाल कृष्ण गोखले इन नाइनटी जीरो फाइव इन बैंक बॉम्बे एंड सेवा सदन फाउंडेड बाई रामाबाई रानडन जी के देवधर इन नाइनटीन जीरो नाइन इन पुणे नेक्स्ट सोशल सर्विस लीग बिच इज फाउंडेड बाई एन एम जोशी इन नाइनटीन इलेवन बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी और सेवा समिति बिच इज फाउंडेड बाई थी हृदयनाथ कुंजरू इन नाइनटीन फोर्टीन इलाहाबाद सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी जिनके कुछ इंपॉर्टेंट जो फाउंडर थे उनके नाम यहाँ मैंसन है ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में सही आंसर करके आए सो द लास्ट टॉपिक दैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द सोशल वर्कर सो सामाजिक कार्य करते हैं वो लोग उनमें क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए किस चीज़ों को उनको फॉलो करनी चाहिए क्या क्या प्रिंसिपल्स उसको देख लेते हैं सो द फर्स्ट इज सर्विस सो प्राइमरी गोल जो सोशल वर्कर का होता है इज़ टू हेल्प द पीपल सो मैन इज सर्विस नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस सो सोशल वर्कर्स चैलेंज दोसल इनजस्टिस अगर किसी के किसी के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है किसी भी क्लाइंट के साथ तो उसके उसके जस्टिस के लिए काम करना चाहिए उसको चैलेंज करना चाहिए एंड द डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ द पर्सनस जब भी सोशल वर्कर किसी क्लाइंट के साथ काम करता है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना और उसकी जो डिग्निटी है जो रिस्पेक्ट है उसको उसको मेंटेन करना चाहिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन सो दे शुड एंगेज एज अ पार्टनर इन दी हेल्पिंग ऑफ पीपल जो भी लोग हैं उनकी हेल्प करना है तो एज अ पार्टनर के साथ एंगेज करना चाहिए उनके साथ नेक्स्ट है इंटीग्रिटी तो सोशल वर्कर शुड बिहेव इन दी ट्रस्ट बर मैनर एंड दे आर कंटिन्यूअस्ली अवेयर ऑफ द प्रोफेशनल मिशंस क्या उनका जो प्रोफेशन मिशन है क्या वैल्यू है क्या आजकल स्टैंडर्ड हैं क्या प्रिंसिपल हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए सोशल वर्क करते समय नेक्स्ट इज कम्पीटेंसी कम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो सोशल वर्कर जो होते हैं अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो स्किल्ड हैं तो उनको उसी एरिया में काम करने चाहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए ताकि उस नॉलेज को वो आगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ला सकें सो so, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कोड ऑफ एथिक्स फॉर द सोशल वर्क सो इस चैप्टर में इतना ही इट इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रीविशर क्वेश्चन पेपर एम सी क्यू एंड अदर क्वेश्चन विच कैन भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द नेक्स्ट एग्जाम सो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच